हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का, और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे, और इसी अच्छे से पढ़ाई लिखाई के दौर में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं आज के अपने लेक्चर में, जिसका आज हम चर्चा करने वाले हैं किस चीज के, नवंबर महीने के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि फरवरी, आपका जनवरी, दिसंबर, तीन महीने का हम कवर कर चुके हैं। अब हम आ रहे हैं नवंबर महीने के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉप क्वेश्चंस को लेके, जो कि एग्जाम में पूरी तरीके से आने की संभावना रखते हैं। तो चलिए देखा जाए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूरी तरीके से आने के लिए पूरी तरीके से क्या है, बेकरार है या आतुर है कि हमको पूछा जाएगा इस बार, इसलिए हमको पढ़ लो। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, विच कंपनी हैज बीन गिवन द राइट टू कॉपरेट द सिक्स्थ मेजर एयरपोर्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जैसा कि इंडिया अथॉरिटी ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक तरीके से क्या दे दिया गया है, 50 साल के लिए राइट दे दिया गया, भैया पूरा तुम संभालो इसका पूरा ऑपरेशन वगैरह तुम देखो सारा चीज। तो किसको दे दिया गया, अडानी ग्रुप को दे दिया गया, अंबानी अडानी पूरा सब कुछ संभाले हुए हैं, तो अडानी ग्रुप को दे दिया गया है पूरी तरीके से क्या, राइट टू ऑपरेट, ठीक है ना, पूरे तरीके से। देखेंगे प्राइवेटाइज, जैसे आपका तेजस वगैरह आप देखते होंगे, रेलवे वगैरह में मिल गया, यार IRCTC को मिल गया है जिम्मेदारी, तो पूरा यहाँ पे क्या कर दिया गया, प्राइवेटाइज कर दिया आपको और अच्छी तरीके से फैसिलिटी वगैरह देने के लिए, तो अडानी ग्रुप को मिल गया। पांच लखनऊ के अलावा पांच और मेजर एयरपोर्ट्स आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स दे दिए गए, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे अडानी के बल्ले बल्ले लूटे खाए। इंडिया फर्स्ट सी प्लेन सर्विस हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच प्लेस, यानी विच स्टेट, वो कौन सा स्टेट है जहां पे इंडिया फर्स्ट सी प्लेन सर्विस स्टार्ट किया गया, याद की उसका उद्घाटन हुआ, तो गुजरात में किया गया, ध्यान में रहिएगा। तो कौन सा स्टेट है आपका, गुजरात है, जहां पे इंडिया फर्स्ट सी प्लेन सर्विस स्टार्ट की गई है, ठीक है ना। सी प्लेन आपका समुद्र पे चलेगी ऐसे आराम से उड़ेगी। अगला, इंडिया फर्स्ट ई रिसोर्स सेंटर एंड वर्चुअल कोर्ट अभी हाल ही में लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, जो आपके CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्या नाम है, अरविंद बबोड़े साहब के द्वारा इनॉग्रेट किया गया, लॉन्च किया गया। तो किस सिटी में हुआ बच्चों, नागपुर में हुआ, ठीक है ना, पहला वर्चुअल कोर्ट आपका स्टार्ट किया गया, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा, नागपुर में। अगला आपसे पूछा जा सकता है किताब का नाम, तो उस किताब का नाम है पेंडोमियम, ठीक है ना, पेंडोमियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजडी। तो इसके लेखक कौन है, तो आप उनके लेखक का नाम याद रखिएगा, तमल बंदोपाध्याय है वो, जो कि ऑथर है बुक पेंडोमियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजडी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या आ सकता है, विच ब्रांड हैज बीन चूजन एज द टाइटल स्पॉन्सर फॉर द 2020 वीमेंस 2020 चैलेंज, किसको किया गया था, कौन सा आपका स्पॉन्सरशिप इसने लिया था, जियो ने लिया था, जो महिला 2020 क्या हुआ था आपका, स्पॉन्सरशिप किया था महिला 2020, जो आपका मैच वगैरह हुए थे सारी चीजें, इनको जियो ने स्पॉन्सर किया था। हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑब्जर्व देयर फाउंडेशन डे ऑन 1st of November, 1 नवंबर को लगभग कितने स्टेट का क्या था, फाउंडेशन डे था। तो टोटल 8 स्टेट थे और 5 यूटीज ऐसे हैं हमारे देश में जो 1 नवंबर को अपना क्या मनाते हैं, फाउंडेशन डे मनाते हैं, ठीक है ना, ध्यान में रखना। कितने स्टेट पूछ लेगा, 8 स्टेट, 5 यूटीज, 7 स्टेट, 6 यूटीज, इस फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लेगा, तो आप ध्यान रखना 8 राज्य और 5 यूटीज सब मिला के क्या, 13 ऐसे स्टेट यूटीज हैं टोटल मिला के जो अपना फाउंडेशन डे कब मनाते हैं, 1 नवंबर को। बात क्लियर, आगे बढ़े तो क्लियर हो गया। अमित पंघल इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स, किस खेल से संबंधित है अमित पंघल साहब, तो ध्यान में रखना बॉक्सिंग से संबंधित है, बॉक्सिंग, टेनिस, क्रिकेट, इस सब ऑप्शन में आएगा, तो आप क्या बताओगे, बॉक्सिंग से रिलेटेड है अमित पंघल। अगला क्वेश्चन देखें, चलिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, यानी जो मुंबई पोर्ट ट्रस्ट है उसके नए चेयरपर्सन अपॉइंटमेंट किए गए हैं, और उनका क्या नाम है, राजीव जलोटा, नाम याद रखिएगा, राजीव जलोटा हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरपर्सन ऑफ मुंबई पोर्ट ट्रस्ट। बात क्लियर, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ द आशीष कक्कड़,
who has recently passed away. अभी हाल ही में उनका देहांत हो गया राशि इस कक्कड़ का, तो ये क्या थे, फिल्म मेकर थे और एक्टर भी थे, ठीक है ना, हाल ही में उनका देहांत हो गया। अगला क्वेश्चन, द प्रसाद स्कीम है एक आपकी, हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री, किस मिनिस्ट्री के द्वारा प्रसाद स्कीम आपकी लॉन्च की गई है, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ठीक है ना, टूरिज्म वगैरह को बढ़ावा देने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए स्कीम लॉन्च की गई है, तो किसके द्वारा आप ध्यान में रखोगे, प्रसाद स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा, ठीक। अगला क्वेश्चन, विश्व सुनामी अवेयरनेस डे यानी वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन विच डे, 5th of November, ठीक है बच्चों, बोलिए अगर नहीं, 5 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे, याद रहेगा ना, चलिए वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, विच फाइनेंशियल बॉडी हैज अप्रूव्ड 132.8 मिलियन लोन टू मेघालय टू इंप्रूव अपग्रेड द पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ठीक है ना, जो डिस्ट्रीब्यूशन है पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बिजली वगैरह के लिए आपका वो करने के लिए, जैसे आप इसके पहले वाले उसमें देखे होंगे लेक्चर में, तो बेंगलोर को मिला था $100 मिलियन का, यहाँ पे क्या मिला है, मेघालय को भी दिया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा $132 मिलियन का लोन, ठीक है ना, एशियन डेवलपमेंट बहुत काम करता है, लोन वगैरह को बांटता रहता है। एस जी सोमशेखर राव, हाल ही में भी निधन हो गया इनका, तो रेनाउंड थिएटर एंड फिल्म एक्टर थे, किस इंडस्ट्री से, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम या उड़िया, तो क्या रहेगा बच्चा, बच्चों आंसर, कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही जाने माने रेनाउंड थिएटर आर्टिस्ट, ठीक है ना, याद रखेंगे आप, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज रिसेंटली फॉर्मली विदड्रॉन फ्रॉम द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो हर साल हुआ करता था, ये क्या हुआ, कौन सा देश उससे अपना नाम वापस ले लिया, तो अमेरिका वाले, जो सबसे ज्यादा इनको बेचारे को क्रेडिट दिया जाता है, सबसे ज्यादा पॉल्यूशन सबसे ज्यादा तुम ही करते हो, अपना नाम खुद ही वापस ले लिया, भैया ठीक है खुद ही निकल जा रहे हैं, ऐसे लोग हैं। व्हाट्सएप के बारे में कौन नहीं जानता, बिना उसके जीवन नहीं कटता, तो व्हाट्सएप हैज पार्टनर्ड विद हाउ मेनी बैंक्स टू एक्सपेंड इट्स UPI मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बेस सर्विस इन इंडिया, कितने बैंकों के साथ वो अपना क्या किया पार्टनर बनाया है, तो टोटल बनाया है 5 बैंकों के साथ अपना यूपीआई पार्टनर, मतलब जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन वगैरह आप करेंगे तो 5 बैंक जो अपना क्या किया पार्टनर बनाए, उससे संबंधित जो जो रहेंगे बैंक वाले उससे क्या कर सकते हैं पेमेंट वगैरह कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, भैया बताओ नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे किस दिन मनाया जाता है, तो आप कहोगे हमारे सर ने बताया था, हमने चर्चा किया था, करंट में पढ़ा था, 7 नवंबर को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाया जाता है, ठीक बच्चों, चलिए आगे देख लें। हु हैज वन द 2020 यानी 2020 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन यूनाइटेड स्टेट का, किसने जीता, का ये सरकार पूछ लिया, जो बाइडन ने जीता था, एकदम सही जवाब तुरंत आप बताएंगे, ठीक है ना, जो बाइडन इज द राइट आंसर, ठीक है ना। वाइस प्रेसिडेंट कौन था, लास्ट लेक्चर में देखे थे टाइम मैगजीन ऑफ द ईयर पाई, तो कौन थी, कमला हैरिस, ठीक है ना, ये सब चीजें ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यानी CIC की, अभी आपके नए बने कौन है, यशवर्धन कुमार सिन्हा, ठीक है ना, ध्यान रखना यशवर्धन कुमार सिन्हा क्या बने हैं, न्यू CIC यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, बात क्लियर हो गई, चलिए अगला देखते हैं। सेंटर हैज रिनेम द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, व्हाट इज द न्यू नेम, यानी जो हमारी पहली मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग हुआ करती थी, अब उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटर बेस, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटर बेस, ध्यान में रखिएगा, इसको तीन काम एक मंत्रालय में जोड़ दिए, पोर्ट शिपिंग का भी काम, वाटर बेस जो है हमारे हैं, 3-4 वाटर बेस के बारे में हमने ट्रांसपोर्टेशन के चैप्टर में किया है, देखिएगा आपका इसके ज्योग्राफी के चैप्टर में, फिर पोर्ट्स, तीन को जोड़ के इन्होंने क्या कर दिया है, एक मंत्रालय बना दिया, जो पहले मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग हुआ करती थी, बात क्लियर। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज द नेशनल लीगल सर्विस डे, किस दिन मनाया जाता है, नेशनल लीगल सर्विस डे किस दिन मनाया जाता है, 9 नवंबर को प्रत्येक वर्ष नेशनल लीगल सर्विस डे आपका मनाया जाता है, ठीक है ना, ध्यान में रहेगा, बिल्कुल रहना चाहिए। अगला देख लेते हैं क्या आ सकता है, वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना, ये भी आपका प्रत्येक कब मनाया जाता है, 10 नवंबर को मनाया जाता है, वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इज ऑब्जर्व एवरी ईयर, अगर पूछ लिया जाए किस दिन मनाया जाता है, तो 10 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन,
द एनुअल हॉर्नबिल फेस्टिवल, अक्सर पूछा जाता है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल भी कहाँ मनाया जाता है, और ये उस तरह के भी पूछ सकता है, उस तरह से पूछ ले सकता है कि एनुअल हॉर्नबिल फेस्टिवल हेल्ड इन वर्चुअल मोड इस बार हुआ 2020 का, तो ये कहाँ पे होता है, किस स्टेट में होता है, नागालैंड में ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है ना। द फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज बाई विच स्टेट, नागालैंड, ठीक है ना। अक्सर पूछा जाता क्वेश्चन कहाँ पे मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल, तो ये आपका नागालैंड में। नेम द विनर ऑफ द जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2020, 2020 का जेसीबी प्राइज किसको दिया गया, यस हरीश को दिया गया, ध्यान में रखना, यस हरीश को दिया गया, भूलिएगा, ठीक है ना। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल योर बेस्ट डे इज टुडे, अच्छी बुक है इनकी, पढ़िएगा कभी, तो इसको किसने लिखा, अनुपम खेर के द्वारा लिखी गई बुक है ये, वो आपका क्या नाम बुक है, योर बेस्ट डे इज टुडे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेजपुर, तेजपुर की लीची विच हैज रिसेंटली रिसीव द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, GI टैग मिल गया उसको, तो ये तेजपुर लीची कहाँ पे, कहाँ की है, आसाम में, ठीक है ना, किस स्टेट से है, आसाम से, पूछ लिया जाएगा, ठीक है ना, बात क्लियर। चलिए विच टीम हैज वॉन द IPL 2020 का IPL किसने जीता था, मुंबई इंडियंस ने, ध्यान में रखिएगा, सब क्वेश्चन सब छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं, कोई बड़ा क्वेश्चन थोड़ी पूछेंगे, IPL किसने जीता, कोई मैच हुआ रहा होगा इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच अभी फिलहाल में हुआ, तो ये सब टेस्ट टेस्ट हुए, ODI कुछ हुए, तो ये सब ध्यान में रखना है, इन सबके बीच कौन जीता, कौन मैन ऑफ द मैच जीता, कौन आपका वो जीता, क्या कहते हैं मैन ऑफ द सीरीज वगैरह, सब पूछ लेते हैं, तो थोड़ा करंट टॉपिक में सारी चीजों को कंपाइल करके जानिएगा। खलीफा बिन सलमान अल खलीफा, इतना बढ़िया नाम सब जोड़े हैं, खलीफा बिन, बिन मतलब क्या होता है कि किसके पिता हैं, किसके बेटे हैं, खलीफा बिन के बेटे सलमान अल खलीफा, ठीक। तो हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली, जो कि प्रधानमंत्री हुआ करते थे एक देश के, जो सबसे विश्व के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग PM थे, सबसे ज्यादा दिन तक वो आपके प्रधानमंत्री रहे, तो किस देश के वो प्रधानमंत्री थे, बहरीन, ठीक है ना, ध्यान में रखना, बहरीन के प्रधानमंत्री का हाल ही में निधन हुआ, खलीफा बिन सलमान अल खलीफा, जो सबसे ज्यादा दिनों तक प्रधानमंत्री के पद पे थे। अगला क्वेश्चन, द सेकंड वर्ल्ड हेल्थ एक्सपो, ठीक है ना, वर्ल्ड हेल्थ एक्सपो अभी हाल ही में आयोजित हुआ था, कहां पे हुआ था, वुहान में, ठीक है ना, जहां से आपका कोरोना आया था, ठीक है ना, वुहान में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, सेकंड वर्ल्ड हेल्थ एक्सपो ऑर्गेनाइज किया गया था। भारत का पहला सैंडलवुड म्यूजियम, इंडियाज फर्स्ट सैंडलवुड म्यूजियम हैज बीन अनवील्ड इन विच सिटी, तो ध्यान में रखना, मैसूर में, ठीक है ना, मैसूर में क्या बना है, भारत का पहला सैंडलवुड म्यूजियम बनाया गया है, ठीक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Which country has become the first in the world to launch 6G communication? देखो अभी हम लोग 4G में जी रहे हैं, यहाँ देखो चाइना पहुंच गया, 6G communication satellite लॉन्च कर दिया, वो कौन सा देश है आपका, चाइना है, ध्यान में रखिएगा, 6G communication को लॉन्च कर दिया, ठीक। World Diabetes Day किस दिन मनाया जाता है, तो ध्यान में रखिएगा, प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को विश्व डायबिटिक डे मनाया जाता है, ठीक है ना, भूलेंगे तो नहीं, बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए। अगला कुछ, आई एम नो मसीहा, ठीक है, मैं कोई मसीहा उसिया नहीं हूं, मैं सिर्फ एक नागरिक हूं जो हमारा कर्तव्य धर्म है उसको निभाता हूं। इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच एक्टर, ठीक है ना, मसीहा के नाम से को प्रचलित थे इस बीच, तो गरीबों के मसीहा, गरीबों के मसीहा, सोनू सूद, जो आपको पता है पेंडेमिक में कितना इन्होंने लोगों को घर भेजा, हजारों लाखों लोगों को, तो लार्ज लेवल पे इन्होंने मदद की, मूर्तियां तक बनाए लोग इनका, तो इन्होंने अपनी बायोग्राफी लिखी, ऑटोबायोग्राफी, आई एम नो मसीहा, ठीक है ना। चलिए ध्यान में रखिएगा, नेम द विनर ऑफ द इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज 2020 का, किसको इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज मिला है, तो बांग्लादेश के आपके सादत रहमान साहब को मिला है इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज, ठीक है ना। चलिए आगे देखें, कीथम लेक, कीथम लेक है विच हैज रिसेंटली बीन एडेड टू द रामसर साइट, जो रामसर की साइट्स होती हैं, ये आपकी इनकी लिस्ट होती है कौन कौन सी साइट्स हैं, तो ये कीथम लेक को भी ऐड किया गया, तो ये किस सिटी में है, तो उत्तर प्रदेश के आगरा सिटी में ये स्थित है कीथम लेक, जिसको रामसर साइट में दर्ज किया गया, ठीक है ना। नेशनल प्रेस डे कब मनाया जाता भैया ये बता दो सर, नेशनल प्रेस डे प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे मनाया जाता है, ठीक है ना,
इसकी आजादी बनी रहे, बढ़ती रहे, हमारे यहाँ तो घटती जा रही है। What was the profession of the सुमित्रा चटर्जी who has passed recently? फिलहाल अभी जल्दी सुमित्रा चटर्जी का निधन हो गया। क्या थे? बहुत बड़े एक्टर, रेनाउंड एक्टर हुआ करते थे, ठीक है ना, ध्यान में रखना। Which state, तो कौन सा स्टेट है जिसने अनाउंस किया है टू लॉन्च ए गऊ कैबिनेट? देख रहे भैया, गऊ का कैबिनेट बना रहे हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द काउज इन द स्टेट, यानी गाय के स्टेट मतलब गाय के वेलफेयर सुधार के लिए, मतलब उनको संरक्षण के लिए, सारी चीज के लिए कौन सा स्टेट है जो गौ कैबिनेट बनाया है? मध्य प्रदेश में हमारे मामा जी हैं जो सबके मामा कहलाते हैं, आपके शिवराज सिंह चौहान ने बनाया, ठीक है ना, गौ कैबिनेट बना दिया गया, गौ का पूरा वही बना दिया रहे, प्रोटेक्टेड एरिया रिजर्व एरिया ही बना दे रहे हैं, गौ खतरे में, हिंदू खतरे में है तो जरूरी है, बहुत अच्छी बात है। परम सिद्धि प्रत्युष एंड मिहिर आर विच टाइप ऑफ इंडियन एसेट्स? क्या है ये बच्चों? ये सब हमारे परम हैं, तो परम है तो सबसे ऊपर होंगे, तो सुपर कंप्यूटर्स हैं, ठीक है ना, ये सब क्या है? सुपर कंप्यूटर है। प्रत्युष, मिहिर, परम सिद्धि, ये सब क्या है? सुपर कंप्यूटर। ध्यान रखना। नेम द विनर ऑफ द 2020 बुकर प्राइज फॉर फिक्शन। किसको मिला इस बार का बुकर प्राइज का? आपका डगलस स्टॉट को मिला, ध्यान में रखना, भूलिएगा, पूछ लेता है सब क्वेश्चन आते हैं हमेशा, बुकर प्राइज किसको मिला, साहित्य नाटक अकेडमी किसको मिला, ये सब हमेशा पूछते रहते हैं, तो ये सब आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। मोदी जी हैज रिसेंटली लॉन्च द फेस सेकंड ऑफ द रूबे कार्ड इन विच दीज कंट्रीज, ठीक है ना, किस देश में रुपे कार्ड का दूसरा फेस आपके लॉन्च किया मोदी जी ने, तो वो देश का नाम क्या है? भूटान, ध्यान में रखना, भूटान, नेपाल, भूटान, ये सब आएगा तो आप बताओ क्या? भूटान। हाउ मच अमाउंट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द न्यू डेवलपमेंट बैंक फॉर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम? की भैया ये सब पूरा अच्छे से करो, इसके लिए डेवलप करो, तो ये कितना मिलियन डॉलर? 500 मिलियन डॉलर का उसने क्या किया है? अप्रूव किया है न्यू डेवलपमेंट बैंक ने, जो कि आप दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम को बढ़ाने के लिए, प्रोजेक्ट को उत्थान के लिए, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आनंद, आनंद एक एप्लीकेशन है, लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC जो है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, उसने स्टार्ट किया है अपने आनंद एप्लीकेशन, उसमें सारी चीजें हैं दी गई हैं कैसे LIC की सारी बातें वगैरह बताई गई। तरुण गगोई अब हमारे बीच नहीं रहे, आपको पता है कि किस स्टेट के CM हुआ करते थे? आसाम के हुआ करते थे, ये फिलहाल अभी हाल ही में इनका क्या हो गया? देहांत हो गया तरुण गगोई जी का, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। विच कंट्री विल होस्ट द APEC समिट? APEC समिट 2021 का होने वाला है, तो ये कौन सा देश आपका होस्ट करेगा? न्यूजीलैंड होस्ट करेगा, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। विच इंडियन शो has won the best drama series award at the 48th International Emmy Award 2020 का 48वां International Emmy Award हुआ, तो कौन सा best drama series थी? आप web series खूब देखे होंगे, लेकिन दिल्ली क्राइम एक web series थी जिसको 48वां International Emmy Awards में आपका क्या हुआ? best series के बारे में इनाम मिला। जाइए देखिए, बढ़िया सीरीज है, अभी मैं भी नहीं देखा हूँ, देख लूंगा कभी भाई, नाम मिला है दिल्ली क्राइम वगैरह आपका जो वो था, क्या कहते हैं, 2012 का वो था आपका निर्भया केस वगैरह पे बना हुआ है। When is the Constitution Day of India observed? प्रत्येक वर्ष Constitution Day किस दिन मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखना, इंडियन Constitution Day मनाया जाता है, ठीक है ना। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बना, 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया, ठीक है ना, तो ये सब आपके क्या है? फैक्ट है, याद रखना चाहिए, ठीक है ना। तो 26 नवंबर को आपका संविधान दिवस मनाया जाता है। द फेमसली इंडस्ट्रियस नोन एज द फादर ऑफ IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अभी हाल ही में उनका निधन हुआ, तो उनका क्या नाम था? फकीर चंद कोहली, जिनको कहा जाता था, जनक माना जाता था, फादर ऑफ इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, ध्यान में रखना, फकीर चंद कोहली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। Who has been appointed as the new director general of BRO, border road organizations है, जो बॉर्डर पे जो सड़कें बनती हैं, उनके डायरेक्टर जनरल का क्या नाम है, जो अभी अपॉइंट किए गए हैं? राजीव चौधरी उनका नाम है बच्चों, भूलिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। Who is the यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर? यूनियन एग्रीकल्चर ऑफ फार्मर्स वेलफेयर के केंद्रीय मंत्री कौन है? अक्सर आप नाम सुनते रहे होंगे, नरेंद्र सिंह
तोमर, ठीक है ना, आपके किसान आंदोलन वगैरह में खूब बागड़बाजी करते रहते हैं, जबरदस्ती का लॉजिक देते रहते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर इनका नाम है, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर, ठीक है ना। तो हम लोगों ने देख लिया टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से थे जो आपके नवंबर महीने के थे, जो कि इम्पोर्टेंट रखते हैं, आने की संभावना रखते हैं, इनको हमने देखा अच्छे तरीके से। सारी चीजों को अब आप ही अच्छे तरीके से देखोगे, कई बार देखोगे, ताकि वो पूरी तरीके से आपको भूले ना। जितने लास्ट फोर मंथ के हमने करा दिए हैं वो सब आप अच्छे तरीके से देख लेना, क्योंकि ज्यादा मोर देन 90% क्वेश्चन आपके इन्हीं लास्ट फोर मंथ फिफ्थ मंथ से आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद दो चार क्वेश्चन इधर उधर से आगे, बाकी ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना यहीं से रहती है। तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा ताकि कोई क्वेश्चन छूटे ना, ठीक है ना। मिलते हैं एक अच्छे नए टॉपिक, अच्छे एक सेशन के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।